हमारे नौजवान साथी जो टोल प्लाजा के इशू में अरेस्ट हुए थे, रात को प्रशासन ने उनको 3:30 बजे के करीब छोड़ा है, उसका हम स्वागत करते हैं और मुबारकबाद देते हैं अपने बच्चों को, जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ जेल में भी उन्होंने अपना टाइम अच्छा निकाला और पूरा जम्मू को इकट्ठा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट की तरफ से भी जिस तरह के बाकी जिस जो संस्थाएं हैं, जिन लोगों ने सब ने इसमें कोशिश की, ट्रांसपोर्टर ने भी उसमें 25 तारीख को हमने शाम को एक व्यूरो से बहुत बड़ा एक जुलूस निकाला था और हम प्रेस क्लब में गए। उसके बाद हमारी एक ही डिमांड थी उसमें कि ये नौजवान जो बच्चे पकड़े गए हैं इनको फ़ौरन छोड़ा जाए और जो हमारी टोल की जो बात है हम उसको दूसरे नंबर पर रखते हैं। लेकिन उस समय डिपकाम ने हमें बुलाया और हमने वहाँ पे भी जाके एक ही बात कही कि बिना शर्त इन बच्चों को रिहा किया जाए, क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, इनका कोई इतना बड़ा पाप नहीं किया इन्होंने कि आप इनको जेलों में रखो। तो हमने उनको कहा कि दो इशू जो हैं, एक तो ये हमारा टोल प्लाजा का और सबसे बड़ा बर्निंग इशू जो है बच्चों को छोड़ने का। तो बच्चों को छोड़ा गया, हम स्वागत करते हैं और सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी 31 तारीख को हमने इसका डेडलाइन दिया हुआ है, 31 तारीख तक अगर ये टोल प्लाजा बंद नहीं किया गया तो हम लोग जो है 31 को ऑल जेंट के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन लखनपुर से लेकर उड़ी तक हम बंद की काल की स्ट्राइक देंगे और उसमें ये बंद हमारा निश्चित होगा। मीडिया ही एक ऐसा पिलर है हमारा कि जिसकी वजह से हमारी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक पहुँचती है। आप लोगों ने जो रोल इस एजिटेशन जो चल रही है, जो आपका रोल है, बहुत सराहनीय है और मैं समझता हूँ कि आप इसी तरह हमारी आवाज़ को उठाएंगे। और मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कहीं पे भी अगर कोई मतभेद हैं तो जम्मू वासियों को वो मतभेद दूर करके एकत्रित होके जम्मू की आवाज़ को उठाना चाहिए, क्योंकि जम्मू के बहुत से मुद्दे हैं, अभी एक खाली टोल प्लाजा नहीं, बहुत सी बातें हैं। तो जम्मू को इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए आप लोगों का भी एक पॉजिटिव जो है वो रोल रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसमें एक पिलर का काम करेंगे जम्मू को एकत्रित करने। बाहर और चैंबर भी आपका समर्थन करेगा इस स्ट्राइक में, आपकी बातचीत हुई है उनसे? क्योंकि जब उन्होंने कॉल दिया था तो आपने कहा था कि मैं 31 को जाएंगे, तो कल जो था वो ट्रांसपोर्ट चलता रहा था। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने पूरा शहर कवर किया है, पूरा इस एजिटेशन को कवर किया है। ये एक ऐसी बात थी कि कुछ घोषित कुछ अनघोषित बातें होती हैं। हमने अघोषित ये जो है काल का समर्थन किया है। हमारी कोई बहुत कम गाड़ियां हमारी यहाँ पर ज़रूरत थी, यहाँ पर लोग फंसे हुए थे, जैसे बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के हमारा एक बहुत बड़ा इशू था कि वहाँ के लोग आए हुए हैं, बाहर के लोग आए हैं, अमरनाथ यात्रा के लोग आए हुए हैं, माता वैष्णो देवी के लोग आए हुए हैं। हम लोगों के अचानक से हम लोगों को उन लोगों को अपनी एक डिमांड के लिए परेशान नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से हमने कहा था यहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट चलेगा। आपने देखा कठुआ रूट बिल्कुल बंद था हमारा, आरसपुरा बिल्कुल बंद था हमारा, अखनूर रूट शम रूट हमारा टोटली बंद था, इसी तरीके से मेटाडोर भी आम काफ़ी रूटों पे बंद थी। यहाँ पर ज़रूरत थी वहाँ पर थोड़ा बहुत हमारा ट्रांसपोर्ट चला है। तो इसमें हमारा ये अघोषित जो है समर्थन था, ये आप नहीं कह सकते हमारा समर्थन नहीं था। किसी भी जगह हमारे चेयरमैन साहब ने या हमने किसी भी जगह ये नहीं कहा कि हम इसके विरोध में हैं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।